नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। जय अम्बे माँ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम क्या बनाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की बर्फी। लौकी की बर्फी कैसे बनाएंगे आप लोग देख सकते हैं। इधर हमने लौकी लिया है, एक हमने लौकी लिया है, इसके हम दो टुकड़े कर दिया है दोस्तों, इसलिए कि लौकी मार्केट से हमने मंगाया तो थोड़ा खराब निकल जाती है, इसलिए मैंने पहले से काट के रख लिया कि वीडियो बनाते वक्त तो कहीं खराब निकल जाए तो आप लोगों को हम वीडियो भी नहीं दिखा पाएंगे। इसको हम अब इसका छिलका उतारेंगे, उसके बाद बना के दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने अपनी लौकी का छिलका उतार लिया है। अब इसको हम पहले धोएंगे, इसको हम साफ करेंगे, उसके बाद हम इसको कद्दूकस करेंगे। इसको हम ऐसे साफ पानी से धो लेंगे, उसके बाद हम लौकी को हमने धो लिया है। अब इसको हम पहले बीज से काटेंगे ताकि इसके अंदर जो बीज होगा तो उसको हम निकालेंगे। अगर नरम लौकी है तो ऐसे काटिए, अगर ज्यादा नरम नहीं है तो इसका बीज हल्का हल्का हम निकाल देंगे। उसके बाद हम कद्दूकस करेंगे, इसको ऐसे हम निकालेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें ज्यादा कर्रा बीजा नहीं है तो इसको हम ऐसे ही काटेंगे। ये हमने कद्दूकस लिया है, इसी से हम काटेंगे। लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसका हम पानी निकालेंगे, इस तरह हम नीचो के पानी निकाल लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। इसको हमने पानी में रखा इसलिए कि लौकी काली न पड़े। इसमें इतना सारा पानी नहीं निकला है, इसमें हमने पानी डाला है। कढ़ाई को हमने गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे, इसमें हम मसाले भूनेंगे। इसको हम निकालेंगे प्लेट में, उसके बाद अब इसमें हम थोड़ा सा घी और डाले हैं। लौकी इसी में हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें हम दूध डालेंगे। अब इसको हम पकाएंगे। इधर हमारा दूध अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। इसी में डालेंगे इलायची पाउडर। इसमें जो हमने फ्राई किया मेवा रखा है उसको डालेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर फिर पकाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा कलर डालेंगे ताकि हमारी बर्फी देखने में अच्छी लगे। इसको हम इसी तरह फिर से पकाएंगे थोड़ी देर के लिए।
इधर हमारा मिक्सर तैयार हो गया है, अब इसको हम उतारेंगे। थाली में हमने घी लगा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, इसके बाद इसी में हम पलटेंगे। इस थाली में हम निकालेंगे इसको। कढ़ाई से हमने थाली में निकाल लिया है, इसको हम इस तरह थोड़ा सा इसको हम ऐसे फैला देंगे। इसके ऊपर फिर हम मसाले डालेंगे, ऐसे हम इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि हमारी बर्फी ठंडी हो जाए, उसके बाद हम इसको काट के दिखाएंगे। हमने बर्फी को निकाल लिया है, थोड़ा अभी सेट कम हुई है, घंटे खाड़ लग जाते हैं सेट होने में, थोड़ा हल्की अभी सेट कम हुई है, इस तरह की हमारी बर्फी अभी भई है। हमने निकाल के दिखा दिया है दोस्तों। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।